दाल है, पापड़ है, रोटी, अचार और सैलेड, ठंडा पानी। तो मैं तो कर रही हूँ नाश्ता, और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, रात में दूध पीने का नतीजा। किसने कहा था दूध पीने के लिए? मैंने मना भी किया था कि दूध छोड़ के टैंक पी लो, लेकिन नहीं सुने, तो अब जो है थोड़ी सी पेट में हो गई गड़बड़। तो खाना तो नहीं खाना, मतलब नाश्ता तो नहीं करना, इन्होंने नाश्ता तक नहीं किया। अब ये यूँ ही लेटे हुए हैं, और काम पर जाना है, लेकिन भाग कर वहीं काम से भाग कर वापस आ गए हैं यहाँ पे। तबीयत हो गई थी ख़राब, डॉक्टर के चल लो ना, शाम तक चलें। तो दूध नहीं पीते, दाल चावल के ऊपर नहीं पीते, क्या हो गया है? अच्छा, वो बॉटल जितने में भर के रखूँगी। अब आप आराम करें, मैं नाश्ता करती हूँ, ये मुझे दे देंगे, मैं बॉटल्स भर के रखूँगी, बाकी आराम करें आप, ठीक है। शाम के बजे से 7 बच्चों को पढ़ाकर ठीक लगी, बहुत तेज़ भूख, मैं तो नहीं लेके आ सकते थे कुछ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। मैंने कहा क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो अक्सर जो होता है खुले वैसे बचते हैं, तो मैं फ़ौरन से ताकि अपने लिए मैगी उठा कर ले आती हूँ, कुछ भी खाने पीने की चीज़ जैसे ले के। तो अक्सर ये मैगी मैं जब लेकर आती हूँ, तो मैं उमेर से छुपा के अलमारी के अंदर रखती हूँ, क्योंकि उमेर मुझे मैगी बिल्कुल भी खाने नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, और मैं खैरियत से नहीं हूँ। पता नहीं अल्लाह जाने किसकी नज़र लग गई है, कभी मैं बीमार पड़ती है, कभी मैं बीमार पड़ती हूँ, तो कभी समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो खैर, ज़िंदगी का हिस्सा है, सब कुछ होता रहता है। तो अभी रात के बज रहे हैं, 11 बजे का टाइम हो रहा है, और मैं अभी जा रही हूँ मेरे लिए मेडिसिन लेने के लिए। शाम में मगरिब के टाइम अम्मी मेडिसिन लेकर आई थी, तो उनको पेट में जो मैदे में प्रॉब्लम हुई थी उस पर तो फ़र्क पड़ा है, लेकिन उसके बाद जो उनको चढ़ गया बुखार, और इतनी शदीद बुखार हो रहा है, तो अब मैं जा रही हूँ उनसे मेडिसिन लेने जा रही हूँ उनके लिए। और फिर जो है क्या करेंगे, फिर आके आपसे मिलते हैं, और जा रही हूँ भी मेडिसिन लेने, चलें साथ ही चलते हैं। सीए पे वो जो और आती है, वो कौन सी है जो पैनाडोल बड़ी वाली होती है? शदीद बुखार है उसके हिसाब से, पैनाडोल ही चाहिए। हाँ ये वाली है, ये वाली होती है, हाँ मुझे दोनों दे दें। हाँ बहुत शदीद बुखार हो रहा है, मतलब बहुत तेज शदीद बुखार के लिए, ये नज़ले की है, बुखार के लिए पैनाडोल नॉर्मल ही होती है ना, दो ले लिए। किसको हो रहा है? हस्बैंड को, पैनाडोल भी तो है ना, वो कौन सी पैनाडोल है? एक्स्ट्रा पैनाडोल एक्स्ट्रा। ये किस लिए होगा, ये किस लिए होता है? हाँ दो वो ये हटा दो। मुझे दवाइयों का इतना पता नहीं, क्योंकि दवाइयाँ उमेर ही लेके आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पैनाडोल एक्स्ट्रा है या पैनाडोल कौन कौन से, क्योंकि 3-4 पैनाडोल निकल गए थे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। तो बस जो उन्होंने कहा वही लेकर आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह शिफा भी हुआ उससे। फिर तो 11:30 का टाइम हो रहा है, और मैं बाहर हूँ, ये ड्रिप लगा कर आए हैं, और आके तकरीबन 3:30 का टाइम हो रहा है, ये सो रहे हैं मेडिसिन लेकर। और यहाँ पे जिनकी तबीयत ख़राब हो गई थी 2 बजे रात को, शदीद किस्म के मैदे में दर्द उठा और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर रात को बाबा, मैं और अम्मी को डॉक्टर के लेके गए हॉस्पिटल, और ड्रिप लगा
गुड मॉर्निंग, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जरा वो टीवी की वॉइस बंद करिएगा। आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और उमैर भी ठीक ठाक है। कल उमैर हॉस्पिटल दौड़ाया इन्होंने तकरीबन रात को 2 बजे। बाबा इनको लेके गए, ड्रिप लगवा कर आए, इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है नहीं है तो अब ये देखें हालत है इनकी। वजह से मैंने कल का व्लॉग भी नहीं डाला। हमारा पिज़्ज़ा चैलेंज था, कल भी आपने टलका दिया। चल इंशाल्लाह ठीक होगी। अजान हो रही है, अजान ज़ोहर की, तो लेट उठे रात जो है वो देर से आए थे, इसलिए सुबह मतलब देर से आए थे। चले नाश्ता करते हैं। मैं तो अपने भाई बहर खानी तो मैं ये कैसे कर दिया आपने, इसमें रखते हैं ना सही है, जैसे खाना है खाए। मैं तो ये खाने वाली हूँ। तो चलते हैं नाश्ते की तरफ और देखते हैं आज क्या क्या रूटीन होती है हमारी। आलू बनाते हमारे लिए आज तुम लोगों का चैलेंज होने वाला है। मेरा और गुगू का चैलेंज है और गुगू ने गोल गप्पे लेने आए हैं हम यहाँ पे और देखते हैं। और यहाँ की फेमस भाई हमारा फेमस गोल गप्पे जब मैंने भी चैलेंज किया था यहीं से लिया था और आज हम दोबारा यहीं से लेने के लिए आए हैं ना भाई। एक मैं हारून का शौक से खाती हूँ और एक यहाँ का शौक से खाती हूँ। हारून का इंशाल्लाह ट्राई करेंगे बहुत जल्द, इंशाल्लाह हारून का भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। बाहर इसकी शॉपिंग के लिए जाएंगे फिर ट्राई करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो ले रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी देखें तत्कार है, अपन की हद होती है। वैसे देखिए पानी पी रहे हैं, कल पूरी रात कल पूरी रात ड्रिप लगी थी इनको। बाबा नहीं मैं नहीं पी रही, ड्रिप लगी थी। और आप भी देखें फिर गोलगप्पे की दुकान पे खड़े हो गए, मुझे पानी पी रहे हैं गोलगप्पे का। चिकन ले लेंगे फिर ये बनाऊंगी खाना। हाँ आज क्या बनाने का रहता है तुम्हारा, देखते हैं लेके क्या बनाते हैं। रश 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 जरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मगर अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र एहसान है, जैसे मेरे मैदे में दर्द उठा था और उससे मैं बीमार हो गया था, बुरी तरीके से तबीयत ख़राब हो चुकी थी। और अल्लाह जज़ाए खैर दे ताबिंदा को जिसने मेरा बहुत साथ दिया। अकेली बेचारी भाग भाग के दवाइयाँ लेकर आई, यहाँ तक कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उठ जाऊँ और कुछ कर लूँ, बस लेटा लेटा ही मेरा टाइम गुजरा है। और मेरा चैलेंज भी था जो मैं पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मैं बीमार हो चुका था। अब अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है कि मैं बहुत बेहतर हूँ। तो आज से ये है कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ गई है मेरे अंदर, तो अल्लाह ने चाहा तो कल से मेरा चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा और मैं आपको दिखाऊँगा वो। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है आप लोगों से। और अभी भी आप देख रहे हैं कि माथे पे पसीना आ रहा है बुरी तरीके से, अभी भी ठंडा ही हो रहा हूँ, मगर कल से तो मैं कहता हूँ लाख बेहतर, बहुत अच्छे हूँ। मैं खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है आप लोगों से। और एक और आप सब्सक्राइब करें प्लीज़ मेरे चैनल को, जितना हो सके सब्सक्राइब करेंगे उतना मैं आगे मेहनत करूँगा और आगे बढ़ूँगा इंशाल्लाह ताला। ओके अल्लाह हाफिज़।